सरकारी समितियों में पूर्ण रूप से तालाबंदी एवं संपूर्ण कार बहिष्कार व धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के चौकी बरौंधा अंतर्गत सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा 2 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक जनपद की समस्त सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से तालाबंदी एवं संपूर्ण कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन का कार्य जारी रहा, जिसमें सहकारी समिति के हलिया ब्लॉक और लालगंज ब्लॉक के सभी कर्मचारी कार्य को बहिष्कार करके बरौंधा सहकारी समिति पर अनशन पर बैठे हुए सहकारी समिति के कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति नियमित वेतन का भुगतान व कैडर सचिवों का निरीक्षक वर्ग 2 में प्रमोशन एवं आंशिक लिपिक सहयोगियों का योग्यता के अनुसार सचिव में प्रमोशन करने की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में अनशन जारी रहा। साथ ही साथ बता दें कि कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि जब तक सरकार हम लोगों को नियमित वेतन नहीं देगी तब तक हम लोगों का अनशन जारी रहेगा, जिसमें कृष्णा प्रसाद दुबे, जिलाध्यक्ष श्यामधर सिंह, जिला संयोजक श्याम नारायण सिंह, मोतीलाल मोर, रामानंद पांडे, रितेश दुबे ब्लॉक अध्यक्ष हरिया, विकास कुमार तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज, कुमार तिवारी उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। जिला संयोजक जी सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन जी श्यामधर सिंह, सचिव रामपुर खोर महिला साधन सहकारी समिति। सर आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सर हमारी यूनियन की मांग है जी कि शिक्षकों की माध्यमिक शिक्षकों की भांत सभी कर्मचारियों को वेतन का निर्धारण किया जाए एवं हम लोगों का ग्रेड 2 एडीओ में प्रमोशन किया जाए और सहायक आंकी चौकीदार चपरासी का जो है सचिव में जो है प्रमोशन किया जाए। सर आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? सर जी सर। कब से बैठे हुए हैं सर? 2 नवंबर से। 2 नवंबर से, तो कब तक आप लोगों का धरना चलेगा सर? 15 नवंबर तक अनवरत चलेगा, इसके बाद भी जो हमारे यूनियन का नेतृत्व कहेगा उसके आधार पर फिर आगे डिसीजन होगा। तो सर यहाँ पर मतलब यहाँ के जितने कर्मचारी लोग आए हैं मतलब किस क्षेत्र से हैं सभी लोग? हलिया लालगंज ब्लॉक के तहसील लालगंज के सभी कर्मचारी हैं, सभी मिर्जापुर तहसील। सर आपका परिचय? जी सर, मेरा नाम शिव श्याम सिंह है जी और मैं कैडर सचिव हूँ जी उसरी पांडे साधन सहकारी समिति। जी जी जी, तो आप लोग यहाँ पर सर किस उद्देश्य से मतलब आप लोग अनशन बैठे हुए? सर अभी हमारे संयोजक ने बताया श्यामधर जी ने जो कि हमारी 2 मुख्य मांगे हैं जी। पहली मांग ये है सर कि माध्यमिक शिक्षकों की तरह हम लोगों का वेतन निर्धारण किया जाए और नियमित वेतन दिया जाए हमारे जितने भी कर्मचारी हैं समिति के, चाहे वो सचिव हो या कैडर सचिव हो या अंकित हो या सहयोगी हो, सबको नियमित वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया लागू की जाए, राज्य सरकार का कर्मचारी हम लोगों को घोषित किया जाए। और दूसरी मांग ये है सर कि हम लोगों की पदोन्नति की जाए, हमारे विभाग में पदोन्नति नहीं है, जो कैडर सचिव उनको निरीक्षण वर्ग 2 में रखा जाए था, जो हमारे आंकिक या प्रभारी सचिव हैं उनको कैडर सचिव में प्रमोशन किया जाए उनकी योग्यता के अनुसार पर, सहायक या सहयोगी जो हैं उनको भी आंकिक और कैडर सचिव की तरह मतलब प्रमोशन दिया जाए। सर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का वेतन दे, हम लोगों से काम ले रहा है सरकारी कर्मचारी की तरह से, तो हमको वेतन सरकारी दे और हमारे विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पदोन्नति करें, सबको वेतन मिलता है। बताइए हम लोग काम करते हैं वेतन नहीं मिलता, कई कई महीने से कई कई वर्षों से वो वेतन नहीं पा रहे हैं कर्मचारी, जब पर भी उनका कहना सरकार का कहना मान रहे हैं, काम कर रहे हैं, बताइए कब तक हम लोग काम करेंगे? जी जी जी, इसलिए हम लोग मजबूर होकर के आर पार की लड़ाई पर बैठे हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश की कमेटी कहेगी वही हम लोग करेंगे। चलिए सर, जानकारी देने के धन्यवाद।